हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उमंग रंगोली प्रतियोगिता बनी आकर्षण का केंद्र बाड़मेर। हर पर्व के साथ एक प्रसंग मनोरंजन का भी जुड़ा होता है। फिर चाहे दीपावली पर आतिशबाजी हो या होली के रंग या नए साल का आगाज दिलाने वाली मकर संक्रांति, वही खुशियां दिलाती है मकर संक्रांति पर पतंग, जिसमें बच्चों से लगाकर महिला शामिल होती है। यह बात आज गुरुवार 13 जनवरी 2022 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो जोधपुर द्वारा MBC राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय बाड़मेर में आयोजित उमंग रंगोली प्रतियोगिता एवं स्वच्छ भारत अभियान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर हुक्माराम सुथार ने कही। इस अवसर पर युवा विकास केंद्र समन्वयक प्रोफेसर मुकेश पचौरी ने बताया कि सामाजिक समरसता का यह पर्व आम जन के लिए नई उमंग उल्लास का पर्व है। साथ ही COVID-19 के रोकथाम पर आवश्यक सावधानियां बरतने व गाइडलाइन का पालन करने की बात युवा पीढ़ी को बताई। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन करते हुए क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो जोधपुर के आर सोनी ने उमंग रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता के MBC राजकीय कन्या महाविद्यालय की सभी वर्ग की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। प्रोफेसर डायरल सांकला, प्रोफेसर पूरा राम और प्रोफेसर देवाराम ने निर्णायक की भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो जोधपुर के आर सोनी ने सभी आगंतुकों को विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।